अस्सलाम वालेकुम, मैं नाम है, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सॉरी यार, मैं भूल गया था। एक्चुअली ना मैं बहुत मसूक था, इसलिए मैं भूल गया था हो चुके ना, जिसे मैंने सोचा था कि मैं हमेशा ट्रैवलिंग वाले व्लॉग बनाऊंगा। अभी सुबह उठूंगा, फिर खाना खाऊंगा, फिर शाम में बैठूंगा, फिर अब घर के व्लॉग दिखाऊंगा ना, तो आप लोग भी बोर हो, मैं खुद बोर हो जाऊंगा, क्योंकि इतनी एडिटिंग कौन करेगा, पागल तो है नहीं हम लोग। तो मुझे तो नहीं दिखा भाई, अपना काम करो ना यार। सर मैं बोल रहा था कि ना अपन सोचते हैं, कुछ है नहीं, आ जाते हैं। हीटर्स बहुत हैं आजकल के, तो गाड़ी ना ये हमारा जो माली है वो साफ़ कर रहा है। ये देखो माली है, गाड़ी साफ़ कर रहा है। उसके बाद ना मैं आपसे मिलता हूँ भैया, वरना फिर समझो फिर पिटाई हो जाएगी हमारी। खुशखबरी ये है कि हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद। हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद, चूँकि अब वली में शादी है, पता नहीं क्या है, सिर्फ मुफ्त मारने जा रहे हैं, इतना पता है मेरे को। सही है, तो उससे जा रहे हैं हैदराबाद, तो सफ़र के दौरान मिलता हूँ। सही है आपसे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर कमेंट कर दो, वरना फिर इससे अच्छे कॉन्टेंट नहीं मिलने वाले। सही है। हाँ क्या करना है? मैं आपको साइन कर दूंगा। सही है, आलू देते रहना। ए रसूले अमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है अकीदा ये अपना बसिद को यकी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमी खातमल मुरसली, मुस्तफ़ा मुज्तबा तेरी मद्दा हुसना, दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं, ए रसूले अमी खातमल मुरसली, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला ओ साफ से खुद सजाया तुझे, ए अजल के हसी, ए अबद के हसी, ढूंढती है तुझे मेरी जाने हसी, तेरा सिक्का रवा कुल जहां में हुआ। आ गए हैं यहाँ पर मस्जिद में, सबसे पहले नमाज पढ़नी है, उसके बाद सारे ना काम करने चाहिए, तो नमाज पढ़ के ना मिलता हूँ भैया। और सबसे पहले तो नमाज पढ़ने से पहले हम लोग को वो यहाँ पे वजू वगैरह करना होता है, और पीछे बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। सही है, तो उसके बाद मिलता हूँ। नहीं तुझसा कोई नहीं, है अकीदा ये अपना बसीद। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारी पूरी फैमिली है, तो यहाँ पर खवातीन के लिए भी ज़्यादा एहतमाम किया हुआ है। और ये हैदराबाद समझो भी हमसे ना आधा दूर है, और ये देखो कितनी प्यारी मस्जिद है। अच्छा यहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा सा सही है। दूसरी बात, हाँ लो देख लोगे कितनी सर्दी लग रही है मेरे को, तो सबसे पहले ना नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद ना आपसे बात करता हूँ। और देखो कहीं भी जा रहे हो तो नमाज ज़रूरी है, आप देखो अपना बिजनेस भी कर रहे हो, नमाज बहुत ज़रूरी है, तो नमाज आप पढ़ लिया करें। सही है, जैसे अब सफ़र में जा रहे तो शायद मगरिब भी वहीं पढ़ेंगे। सही है, तो नमाज ज़रूरी, नमाज पढ़ लिया करें। खातमल मुरसली, मुस्तफ़ा मुज्तबा तेरी मद्दा हुसना, दिल को हिम। इस वक्त जो टाइम हो रहा है ना वो है असर का, असर की नमाज पढ़ ली हम लोगों ने। अच्छा अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हो रहा है 5:16, यानी 5:16 हो रहे हैं, तो हम लोग पहुँच जाएंगे कम से कम 5:41 पर इंशाल्लाह। सॉरी यहाँ 5:41 में हम पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। सही है, तो वापस सफ़र पे मिलते हैं। थोड़ा सा मसला हो गया, अब उनको जाना है वॉशरूम, तो वॉशरूम जाने के लिए हम लोगों ने यह है पेट्रोल पंप, हम लोग उस तरफ जाएंगे अंदर। सही है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे ना थोड़ा पेट फड़का कर लेंगे। सही है, वो देखो सूरज बहुत करीब है वो ना, और अब वॉशरूम के लिए ना इधर जाना है।
अच्छा यहाँ पर आ गए तीन वॉशरूम सही है, लेकिन हम अपने मतलब कह रहे तो वही है सही है, जेंट्स ये ना और लेडीज़ हो रहा, तो हम यहाँ पे जाएंगे फटाफट चलते हैं। पर लोगों ने तो बिजनेस खोल के रखा हुआ है पेट्रोल पम्प के अंदर, हालांकि पेट्रोल पम्प तो बहुत बड़ा है लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने छोटा सा बिजनेस करा हुआ है, वो बिजनेस दिखाता हूँ। यहाँ पर एक बंदा बैठता है यहाँ पर, और वो इस वॉशरूम के 20 रुपीस कमोड वाले वॉशरूम यानी हैंडी कैम, हाँ हैंडी कैम पे लेता है ये कम से कम 20 रुपीस, और उस वाले वॉशरूम के जिसमें लेडीज़ का वॉशरूम है उसके अंदर ये लोग 20 यानी 20, 20 और 20, तो तीन वॉशरूम के अंदर फुल कमाते हैं, कम से कम 60 रुपीज़ ये लोग कमा लेते हैं यार कैसा। और तो एक एक घंटे में एक बंदा आता रहता है, वो करते रहते हैं बेसिकली। यहाँ का जो वो है ना सिस्टम, चूँकि अब सर्दियों का मौसम चल रहा है ना, तो यहाँ पर का जो ठंडा, यहाँ का जो ठंडा पानी है ना वो इतना ठंडा है, इतना ठंडा है ना समझ ही नहीं आता क्या करें, क्योंकि सबसे बड़ा डाला हुआ लोगों ने। बैठ गए हैं, अब हम जा रहे हैं सीधा हैदराबाद के अंदर, और कम से कम समझ जाओ ना 140 किलोमीटर बाकी है। अच्छा ये देख लें यहाँ पर कम से कम 42 एक मिनट, ये है कम से कम 36 किलोमीटर बाकी है और 42 मिनट्स हैं, और हम सीधा अपने रास्ते पे स्टार्ट हो गए। ए रसूले अमी खातमल मुरसले दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला ओ साफ से खुद सजाया तुझे, ए अजल के हसी ए अबद के हसी ढूंढती है तुझे मेरी जाने हसी तेरा सिक्का रवा। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं हम लोग हैदराबाद, और यहाँ पर जो है ना यहाँ पे सर्दी है बड़ी वीआईपी वाली, फुल फुल समझो वीआईपी वाली एकदम लजीज। एक्चुअली क्या है ना मेरे हाथ में ना बहुत सारा सामान आ गया, इसकी वजह से ना मैं मोबाइल से पकड़ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग हैदराबाद पहुँच गए, पहुँचने वाले हैं, लेकिन हम लोग हैदराबाद के जो मेन पॉइंट वहाँ पहुँच गए, और अब उस सामने वाली गली में जाएंगे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है सॉरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, अब उस सामने वाली गली में जाएंगे सही है, तो मिलता हूँ आपको बाद में। ये मेन रोड है वहाँ से आके मेन रोड आ रहा है, और अब चौराहे पे आ गए हम लोग, सीधा जाएंगे सीधा स्ट्रेट जाएंगे, स्ट्रेट से बिल्कुल कॉर्नर पे अब आपकी बस आने वाला है। हम मेन जगह पे पहुंच गए हैं, मिलते हैं आपको घर पे, थक चुका हूँ ऐसे ना हमको इतना एहसास नहीं हो रहा, महसूस नहीं हो रहा कि हम लोग थक चुके हैं सही है। बाकी ये है हैदराबाद की सबसे छोटी गली, माना जाता है सबसे छोटी गली है सही है, तो हम ऊपर जा रहे हैं पानी वानी लगा जाएंगे उसके बाद इंशाल्लाह। भाई फाइनली पहुंच गए हैं हम लोग यहाँ पर, अब यहाँ पर थोड़ा मुफ्ता तोड़ेंगे उसके बाद जाएंगे, और हाँ मगरिब का टाइम था सब मगरिब की नमाज़ फटाफट पढ़ ली थी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा खाना पीना, तो खाना दिखाऊंगा चूँकि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं तो सब शक करेंगे कि मैं मुफ्ता मारने के लिए आया हूँ, तो सॉरी मैं आता हूँ सही। और आज का वीडियो कितना था जब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू, आई होप आप लोगों को एंजॉय लगा होगा। एक्चुअली ना मैं सिर्फ ट्रैवल के बनाता हूँ, ये डेली वेली में से होते नहीं है, तो आई विल सी यू मैं नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।